Hi kids, welcome to your English class, and I'm your teacher and mentor Ananya, and I am back with a new poem in your book Literary Journeys and English Reader for Class 7 by Brainroot Publications. So students, today we will start with a new poetry, and the title of the poem is Life Doesn't Frighten Me. जिंदगी से मैं नहीं डरता, जिंदगी की जो कठिनाइयाँ हैं वो मुझे नहीं डराती. बच्चों, हम लाइफ में कई ऐसी सिचुएशंस को फेस करते हैं जहां हमें डर लगता है. एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उसका टेंशन है, पता नहीं कितने नंबर आएंगे, कैसा पेपर आएगा, अच्छे से करेंगे या नहीं करेंगे. कहीं बाहर जाना है तो टेंशन है कि बाहर सब कुछ ठीक है या नहीं. कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे हम रोड में ट्रैफिक में फंस जाएंगे या घर आते आते देर हो जाएगी या रोड में किसी स्ट्रेंजर ने हम पर अटैक कर दिया. तो लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके हम आए दिन स्ट्रेस में रहते हैं, या ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमें डराती हैं. राइट, हम गेम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, गेम खेलने जाते हैं, हमें टेंशन होती है पता नहीं जीतेंगे तो कैसे जीतेंगे, अगर हार गए बाई चांस तो सब लोग मजाक उड़ाएंगे. So we need to overcome the fear that we face at different situations. हम ये जो टेंशन, ये जो हमारी उलझने हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, इनसे भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें बहुत ही साहस के साथ इनका सामना करना चाहिए. ठीक है, जब हम अपने फियर्स को ओवरकम करते हैं तभी हम एक्चुअल में लाइफ में विनर कहलाते हैं. तो आज की जो पोएम है उसमें पोएट हमें यही शिक्षा दे रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस पोएम सजेस्ट दैट देयर इज अ वे टू ओवरकम फियर. कविता के माध्यम से जो कवि है वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हर एक डर को किसी भी तरीके से ओवरकम किया जा सकता है. ठीक है, Bravado is one thing, but we are brave and work on a strategy, we can get through to the other side and come up smiling for real. We might need a magic charm to help us, but we'll get there because there is nothing to fear at all. तो poet कह रहा है कि ऐसी कई situations हैं जहाँ पे शायद हमें बहुत डर लगे और हमें ऐसा भी हो सकता है कि मन करे कि हम वहाँ से भाग जाएं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ किसी काम को करेंगे या अपने डर को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमें डर डरा नहीं पाएगा, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं. ठीक है, यानी अपने डर पर जीत हासिल कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएट्री विच इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज अबाउट ओवरकमिंग अवर फियर्स. Shadows on the wall, noises down the hall. Life doesn't frighten me at all. So, the poet says कि walls पर जो shadows हैं, जो परछाइयाँ हैं, उन्हें देख के मैं नहीं डरता, और ना ही लोग जब शोर मचा रहे हैं हॉल में बैठ के या मेरे अगेंस्ट में आवाज़ उठा रहे हैं, ये सब मुझे नहीं डराता. मैं इन चैलेंजेस से घबराता नहीं हूँ. Bad dogs barking loud, big ghosts in a cloud, life doesn't frighten me all. अब वो बोल रहे हैं कि जो bad dogs है, जब हम रास्ते में चलते हैं कई बार कुछ dangerous से जंगली से कुत्ते हैं, wild dogs जो है हमारे ऊपर चिल्लाने लगते हैं. The poet says कि even these bad dogs don't frighten me. All right, and the ghosts in the cloud, जो बादल में डिफरेंट टाइप के शेप्स बन जाते हैं, कई बार बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं उसे देख के डर जाते हैं, तो ऐसे जो घोस्ट्स हैं उनसे भी मैं नहीं डरता. जीवन का कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे डरा सकती है. मीन ओल्ड मदर गूज लायंस ऑन द लूज, दे डोंट फ्राइटन मी एट ऑल. ड्रैगन्स ब्रीदिंग फ्लेम ऑन माई काउंटर पेन, दैट डजंट फ्राइटन मी एट ऑल. तो पोएट गिव्स डिफरेंट एग्जांपल्स कि ना तो मैं शेर की दहार से, ना ड्रैगन्स जब आग निकाल रहे हैं उनसे, इन सभी चीज़ों से जिनसे लोग आमतौर पर डर जाते हैं, मैं इनमें से किसी से भी डरता नहीं हूँ. यानी कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, मैं हमेशा साहस के साथ उस परिस्थिति का सामना करता हूँ, उस सिचुएशन का सामना करता हूँ. ठीक है,
I go boo, make them shoo, I make fun, way they run. So what does the poet say? कि मैं उल्टा क्या करता हूँ, मैं उनको चिढ़ाता हूँ. जैसे वो मुझे डराने की कोशिश करते हैं, मैं भी उनको फेसेस दिखाता हूँ या उनको चिढ़ाने की कोशिश करता हूँ या उनके मज़े लेता हूँ. जो वो मेरे साथ करने की कोशिश करते हैं मैं उसको एंजॉय करता हूँ और मैं उनका भी मजाक उड़ाता हूँ. वो मुझे डराने की कोशिश करते हैं, मैं उन पर हंसने लगता हूँ. एंड मुझे हंसी इस बात पे भी आती है कि जब मैं इरिटेट नहीं होता, जब वो मुझे डरा नहीं पाते तो वो भाग जाते हैं, तो उनको भागते हुए देख के भी मुझे उतना ही हंसी आती है. आई वोंट क्राई सो दे फ्लाई. अब मैं रोता नहीं हूँ तो इसीलिए वो लोग भाग खड़े होते हैं, थक के हार के कि अरे ये तो डर ही नहीं रहा है, इस पर तो कोई असर ही नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं. आई जस्ट स्माइल दे गो वाइल्ड. और मैं जैसे ही उनकी तरफ देख के हंसता हूँ वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं, उन्हें और गुस्सा आता है. वो सोचते हैं कैसा है इंसान है ये डरता ही नहीं है. आमतौर पे सभी लोग डर रहे हैं लेकिन ये, इस पर तो किसी चीज़ का असर ही नहीं हो रहा है. लाइफ डजेंट फ्राइटन मी ऑल. टफ गाइज फाइट ऑल अलोन एट नाइट, लाइफ डजेंट फ्राइटन मी एट ऑल. सो ही सेज कि जब लोग आपस में लड़ रहे हैं मैं नहीं डरता, मैं भी चैलेंजेस के साथ लड़ना पसंद करता हूँ. टफ, बिल्कुल रफ एंड टफ बन के उनके सामने डट के खड़ा हो जाता हूँ कि मैं कैसा भी चैलेंज हो उसको फेस करके रहूँगा और कुछ ना कुछ उस चैलेंज को ओवरकम करके जीत के दिखाऊँगा. पैंथर्स इन द पार्क, स्ट्रेंजर्स इन द डार्क, नो दे डोंट फ्राइटन मी एट ऑल. सो ही सेज कि पैंथर्स, जो जंगली पैंथर्स होते हैं, उनको देख के मुझे डर नहीं लगता और रात के अंधेरे में स्ट्रेंजर्स को देख के, अजनबी लोगों को देख के भी मैं नहीं घबराता या मैं नहीं डरता. मुझे कोई भी चीज़ जो है डरा नहीं सकती क्योंकि मुझे अपने आप पे बहुत विश्वास है. आई हैव दैट करेज एंड दैट कॉन्फिडेंस दैट आई कैन ओवरकम एनी सिचुएशन वॉट एवर इट मे. नो दे डोंट फ्राइटन मी एट ऑल. दैट न्यू क्लासरूम वेयर boys pull my hair, kiss little girls with their hair in curls, they don't frighten me at all. So the poet says कि वो जो नया क्लासरूम है, जब मैं किसी नए स्कूल में जाता हूँ, कई बच्चे जो बुली करते हैं, जो परेशान करते हैं, शायद उनमें से कुछ शायद मेरे बाल खींचते हों या शायद कुछ लोग जो है किसी और के साथ बहुत ज़्यादा मिक्सड अप हैं, मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हैं या मेरे साथ वो बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई भी परिस्थिति मुझे बिल्कुल भी डराती नहीं है. डोंट शो मी फ्रॉग्स एंड स्नेक्स एंड लिसन फॉर माई स्क्रीम. आई एम नॉट, इफ आई एम अफ्रेड एट ऑल इट इज़ ओनली इन माई ड्रीम्स. सो वॉट डज द पोएट सेज कि डोंट शो मी फ्रॉग्स एंड स्नेक्स. मुझे मेंढक या सांप, छिपकली, ये सब दिखा के डराने की कोशिश मत करो, ये व्यर्थ है. इस तरह की हरकतें करना बेकार है क्योंकि इन सब से मैं नहीं डरूंगा. अगर मैं कभी डरता हूँ तो वो किससे डरता हूँ? मैं अपने ड्रीम से डरता हूँ, मैं अपने सपनों से डरता हूँ. आई हैव गॉट अ मैजिक चार्म दैट आई कीप अप माई स्लीव. आई कैन वॉक द ओशन फ्लोर एंड नेवर हैव टू ब्रीथ. सो ही सेज कि मेरे पास एक जादुई तिलिस्म है जो कि मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, ठीक है, और उसको यूज़ करके मैं चाहे तो नदी को भी पार कर सकता हूँ, मैं आराम से बहते हुए पानी में भी चल सकता हूँ. लाइफ डजेंट फ्राइटन मी एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, लाइफ डजेंट फ्राइटन मी एट ऑल. तो वो कहता है कि मुझे लाइफ कभी नहीं डरा सकती, मैं कभी नहीं डरता हूँ. लाइफ चैलेंजिंग कितनी ना हो जाए, कितनी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आ जाए, लेकिन कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जो मुझे डरा दे या मैं उसे देख के घबरा जाऊँ. डर तो सिर्फ मुझे सपनों में ही आता है, बाकी किसी चीज़ को देख के मैं कभी भी नहीं डरता, मैं हर चीज़ का मुकाबला डट कर करता हूँ, ठीक है. सो द मैसेज दैट द पोएट इज़ ट्राइंग टू गिव इज दैट whatever may be the situation in life, we should always face that situation confidently. We should not
run away from the situation, because the more we run, life will frighten us more. हम जितना दौड़ेंगे भागेंगे किसी परिस्थिति से, उतना ही लोग हमें डरपोक समझ के हमें और डराएंगे, हमारे लिए और चैलेंजेस करेंगे. लेकिन अगर एक बार हमने अपने चैलेंजेस को बहुत अच्छे से फेस कर लिया, तो लोगों को भी पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को डरा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये हर सिचुएशन का सामना बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करता है. ठीक है, और जैसे जैसे हम अपने डर पर जीत हासिल कर लेंगे, हम वैसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वी शुड ऑलवेज ट्राई टू ओवरकम अवर फियर्स. क्लियर? सो नाउ चिल्ड्रन, लेट्स मूव. Now we have some exercise. Before the exercise, we need to go through the word meanings that we came across in the poetry. So let's discuss them one by one. Mother goose. Mother goose का यहाँ पे reference लिया हुआ है. Mother goose किसे बोलते हैं? And old woman who is smile supposed to have written stranger nursery rhymes. Okay? Next, on the loose means having escaped from magic charms, confinement, yani ki किसी भी कहते हैं ना, किसी जादू टोने से बच जाना या किसी मैजिकल स्पेल से भाग जाना या अपने आप को आज़ाद करवा लेना. काउंटर पेन मीन्स बेड स्प्रेड, टॉप कवरिंग ऑफ द बेड, यानी कि बेड शीट या जो हम ऊपर चादर बिछाते हैं बेड के ऊपर. घोस्ट, अ सोल ऑफ अ डेड पर्सन, ठीक है, किसी की आत्मा, जिसको हम आमतौर पर प्रेत या भूत भी बोलते हैं. स्माइल, smile means to show happiness or joy. Stranger, a person that you do not know, यानी अजनबी, जिसको हम नहीं जानते. Magic charm, a small ornament worn on the necklace or bracelet to get rid of evil spirit. यानी हाथों में कई बार तावीज़ या कुछ बांध देते हैं, that is. Okay? Breathe means to take in air, यानी सांस लेना. Clear? So with this we are done with the word meanings. Now let's proceed towards the exercises. So first of all we have multiple choice questions. हम एक एक करके questions को पढ़ेंगे, statements को पढ़ेंगे, और उसके बाद इन statements को जो सबसे suitable answer है उसको हम tick करने की कोशिश करेंगे. तो let's get started. The child is not frightened by panthers in the park, strangers in the dark. Both of these, none of these. So the correct option is both of these. वो दोनों में से किसी से भी नहीं डरता, ना पैंथर्स से डरता है और ना ही स्ट्रेंजर्स से डरता है. Second, the child has got a wand, new bedspread, magic charm, new haircut. So he has got a magic charm. ठीक है, he has got a magic charm. All right, now see. These are some incomplete lines from the poetry. कुछ lines हैं poem की जिनको incomplete छोड़ दिया गया है. आपको poem को दोबारा पढ़ना है और इन lines को पूरा करना है. मैं आपको एक दो lines करके बताती हूँ, बाकी के आप खुद करेंगे. All right? So first two, three I am doing for you. All right? And then you can do it on your own. Like, shadows on the wall, noises down the hall. ठीक है, shadows on the wall and noises down the hall, they do not frighten me at all. समझ में आ गया? They do not frighten me at all. तो आपको ये sentences को complete करना है. ठीक है, so that is the reason you need to look back into the poetry once again. Like, bad dogs barking aloud, big ghosts in a cloud. Clear? Life doesn't frighten me at all. Clear? So in this way you need to complete the lines of the poetry. This is something to be done by you. मैंने आपको समझा दिया है कैसे पूरा करना है, वो आप खुद करेंगे. Let's proceed further. Now we have answered the following questions. All right? I can see question number C, answer the following questions. First one, name the two things that the child in the poem does to make fears vanish.
Two things are, firstly, he wears a magic charm, and secondly, he always confidently faces every situation, and that is why he doesn't have to fear any kind of challenge. Clear? He faces the challenges, he does not run away from challenges, he faces all those fears. Second, what is the meaning of big ghosts in the cloud? Alright, so big ghosts in the cloud means the evil spirits of the people and all. Third one, why does the child not fear the new classroom? He doesn't fear the new classroom because he is full of self-confidence and he knows very well how to handle the situation in the class. He does not pay attention towards the bullies who pull his hair. Third one, okay, third we have done. Fourth one, the final stanza of the poem, why does the child repeat not at all? He says not at all, not at all, again and again to remind that nothing and no one can make him frightened. Alright, there is nothing in his life that he cannot overcome. Clear? He says that only dreams can, in his dreams only he can be a bit frightened. Otherwise, in actual or real life situations, he is never fearful. Fifth one, according to you, what are the best strategies to overcome fear? So, if somebody asks me, what are the best strategies to overcome fear, is to face those fears. हम डर को जितना देख के भागेंगे, डर हमें उतना ही डराएगा और डर हमारे मन में बैठ जाएगा. तो डर को ओवरकम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि डर को फेस करो. Try to face the fear and chalk out a strategy how to overcome your fear. If we sit and plan and think, then definitely we will find a proper solution to overcome that particular fear. Okay? Now, D exercise says, explain the given lines in your own words. Don't show me frogs and snakes and listen for my scream. I am not afraid at all. It's only in my dreams. So, he says, कि डोंट शो मी फ्रॉग्स एंड स्नेक्स, मुझे मेंढक सांप बिच्छू ये दिखा के डराने की कोशिश मत करो या मेरे चिल्लाने का भी वेट मत करो क्योंकि मैं ना डरूंगा और ना ही मैं कोई रिएक्शन दूंगा ना ही मैं चिल्लाऊंगा. मैं सिर्फ एक ही जगह डरता हूँ, वो है अपने सपनों में. अदरवाइज मैं कहीं नहीं डरता हूँ. I have got a magic charm that I keep up my sleeve. I can walk the ocean floor and never have to breathe. So he says ki I have got a magic charm on my sleeves and that is why I am full of confidence and I can face any kind of danger that comes across my path and I can easily even perform the hardest of the tasks, that is walking on the ocean floor without even breathing. Alright, so that is the explanation of these lines in a simple way. Okay children, so with this we are done with the exercises. I hope that you have understood the poetry quite well and you have also learnt a lesson that we should always face the challenges that we come across in the life. Alright, so with this we end today's session. I will meet you soon with another chapter of your English series and I hope that you would also love to join the session. So, see you again with a new video. Stay tuned for the upcoming video. Bye bye and take care.